रेलवे बस स्टेशन के आसपास लोकल सवारी भरे जाने की शिकायत पर गुरुवार को संभागीय परिवहन विभाग, पुलिस और ट्रैफिक विभाग के संयुक्त अभियान में अनुबंधित बसों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें एक दर्जन से अधिक बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सभी बसों को पुलिस लाइन्स परिसर में खड़ा कर दिया गया है तथा चेतावनी दी गई है कि इस तरह के कार्यों को दोबारा किए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह और आरटीओ प्रबंधन एसपी श्रीवास्तव ने बताया। साहब मतलब परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस एसपी ट्रैफिक साहब और मैं स्वयं एसपी सिटी, मतलब आज एक संयुक्त अभियान चलाया गया जिसमें ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी, परिवहन विभाग के अधिकारी और मैं स्वयं एसपी सिटी शामिल था। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि रेलवे रोडवेज के सामने से जो स्टेज कैरेज वाली गाड़ियाँ हैं, डग्गा मार गाड़ियाँ यात्रियों को भर के ले जा रही हैं, इनको बार बार चेतावनी दिया गया था। आज संयुक्त छापेमार कार्रवाई की गई जिसमें लगभग एक दर्जन से अधिक डग्गे मार गाड़ियाँ रेलवे रोडवेज के पास से पकड़ी गई। ये अभियान चलता रहेगा और इनको चेतावनी दी जा रही है कि ये जो अवैध डग्गा मार वाहन है जिनको स्टेज कैरेज के रूप में परमिट मिली हुई है, ये रेलवे रोडवेज के सामने से सवारियां कदापि न भरें। अगर ये सवारियां भरेंगे तो उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी, बाद में सीज किया जाएगा, फिर मुकदमा भी लिखाया जाएगा। स्टैंड भी बना गया इनके लिए, यह सवाल नगर निगम से कर लीजिएगा। भारी से भारी धनराशि में जो भी मतलब कानून की धाराओं में अनुमन्य होगा, परिवहन निगम के आरटीओ साहब मौजूद हैं, जुर्माना करेंगे इनके ऊपर। अवैध रूप से संचालित वाहनों के प्रति संयुक्त रूप से अभियान पुलिस विभाग एसपी सिटी साहब एसपी ट्रैफिक के साथ संयुक्त अभियान किया गया है। इसमें जो भी अनधिकृत चलते हुए पाई गई हैं उनको अभी पुलिस लाइन में खड़ा कराया गया है और नियमानुसार जो भी इस पर कार्रवाई की जाएगी। जो उचित जो अपराध इन्होंने किया है, जैसे रोडवेज परिसर के अंदर खड़ा होना, सवारी भरना, परमिट ऑफ कंडीशन के उल्लंघन में जो भी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। कितने गाड़ियां चलती थी डग्गा मार, तो कितना राजस्व का नुकसान परिवहन विभाग? नहीं, ये डग्गा मार तो नहीं कहा है, लेकिन सारे गाड़ियां परमिट से कब भर रहे, ये लोग फुटकर सवारी बैठाते हैं, ये सवारी इनको यहाँ से भरने के लिए अधिकृत नहीं है, इसलिए चलते हैं, इस पर कार्रवाई की जा रही है।